गुड मॉर्निंग। तो डिसोल्यूशन चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि स्टूडेंट को कि बैलेंस शीट में जो आइटम होता है उस आइटम का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, तो आज मैं आप लोगों को बैलेंस शीट आइटम से रिलेटेड कुछ नॉलेज दूंगा। लाइबिलिटी साइड में अगर पार्टनर कैपिटल दिया है, क्योंकि मैंने हेडिंग ही दिया है ट्रीटमेंट ऑफ बैलेंस शीट आइटम, इसमें एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। अगर लाइबिलिटी साइड में पार्टनर कैपिटल दिया है तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और आप लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। सेकंड आइटम जनरल रिजर्व या वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या पीएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस अगर दिया है तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा, आप लिखोगे बाय जनरल रिजर्व, बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन, बाय पीएल। थर्ड आइटम क्रेडिटर्स बिल्स पेबल बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर ये आइटम लाइबिलिटी साइड में है तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय क्रेडिटर, बाय बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड को भी अदर लाइबिलिटीज के जैसा ट्रीट करना है, तो यहाँ पे एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड जो है वो भी आपका रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। देन नेक्स्ट, अगर रियलाइजेशन के लाइबिलिटी साइड में पार्टनर लोन अकाउंट है, ट्रांसफर टू पार्टनर लोन अकाउंट, यानी कि इसको लिए अलग से आपको एक पार्टनर लोन अकाउंट खोलना होगा, क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय पार्टनर लोन अकाउंट। रियलाइजेशन के लाइबिलिटीज में अगर वाइफ लोन दिया हुआ है तो ये वाइफ लोन को भी आउटसाइडर के जैसे ट्रीट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे, बाय वाइफ लोन अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सपोज कैपिटल अकाउंट के अलावा पार्टनर करेंट अकाउंट भी दिया हुआ है तो ये ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में और एंट्री होगा बाय पार्टनर करेंट अकाउंट। आते हैं अब हम लोग एसेट साइड में। एसेट साइड में जो फर्स्ट आइटम है वो है फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, प्रीमाइसेस, लूज टूल्स, इन्वेस्टमेंट वगैरह होते हैं। अगर ये दिया है तो ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में आएगा, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्रीमाइसेस, टू लूज टूल्स या टू इन्वेस्टमेंट करके इसको लिखना है। सेकेंड आइटम करेंट एसेट्स है, फॉर एग्जाम्पल डेटर, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम अगर दिया है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में आएगा, टू डेटर, टू स्टॉक, टू बिल रिसीवेबल और टू अक्रूड इनकम, यानी इसको भी बैलेंस शीट से ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। नेक्स्ट लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स कैश और बैंक अगर रियलाइजेशन में दिया है, बैलेंस शीट में दिया है तो ये कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, टू बैलेंस बीडी। फिक्स्ड एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपी राइट इज गिवन इन द क्वेश्चन, वी ऑल्सो ट्रांसफर दिस आइटम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। फिफ्थ आइटम पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर रियलाइजेशन अकाउंट बैलेंस शीट के एसेट्स में पार्टनर कैपिटल दिया हुआ है तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन पार्टनर करेंट अकाउंट, अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में पार्टनर करेंट अकाउंट का बैलेंस है तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, टू पार्टनर करेंट अकाउंट। देन अब कुछ ऐसा आइटम जो एसेट्स नहीं होता फिर भी वो बैलेंस शीट के एसेट्स में होता है, जैसे पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगर ये आपके बैलेंस शीट में दिया है तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा, टू पीएल अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और ये राइट ऑफ हो जाएगा पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये था एक छोटा सा जानकारी आप लोगों को, ताकि आप बैलेंस शीट से आइटम को सही जगह ट्रांसफर करने पाए, देयर आफ्टर आप इसका एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एडजस्टमेंट के बारे में बताऊंगा, अभी के लिए केवल ट्रीटमेंट ऑफ बैलेंस शीट आइटम। थैंक यू।